तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। अरे बाबा। अरे कोई बात नहीं बिडू, ये वाली वीडियो देखने के बाद आप काफी ज्यादा अच्छे हो जाओगे। अरे बाबा। अरे हाँ बाबा, क्योंकि ये वाली वीडियो होने वाली है हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर आने वाली अपकमिंग अपडेट्स के बारे में, जो कि हमें फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकती है। अरे बाबा। जैसे कि हमारे गेम के अंदर आने वाले मल्टीप्लेयर मोड के बारे में, साथ ही साथ नई गन के बारे में और आने वाले नए कैरेक्टर के बारे में, साथ ही साथ हमारे गेम के अंदर आने वाले कुछ अपकमिंग सुपर बाइक्स के बारे में और इन सभी अपकमिंग अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही कमाल की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको जल्दी से इन सभी अपडेट के बारे में डिटेल के अंदर बता देता हूँ। तो गाइस जो सबसे पहली जो अपडेट आती है वो आती है हमारी गेम के अंदर आने वाले नए कैरेक्टर के बारे में। तो गाइस अभी जो हमारी गेम के अंदर एक ही कैरेक्टर देखने को मिलता है और शायद से अपकमिंग अपडेट के अंदर हमें नया कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा, और वो किस प्रकार का होगा वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारी अपकमिंग अपडेट्स आने वाली है उसके अंदर हमें 100% नया कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। और थोड़ी सी लीक्स निकल के आ रही है कि माइकल नाम का कैरेक्टर हमारी गेम के अंदर देखने को मिल सकता है, और इसी के साथ साथ हमारे अपकमिंग अपडेट के अंदर नए कैरेक्टर के नए कपड़े भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग अब ये कॉमेंट करके बताओ कि आप किस तरह का कैरेक्टर हमारी गेम के अंदर देखना चाहते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारी गेम के अंदर आने वाले मल्टीप्लेयर मोड के बारे में। तो गाइस आपको पता ही होगा कि अभी के टाइम पर हम किसी के साथ गेम प्ले नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड ऐड हो जाए तो हम सभी लोग साथ में मिलकर गेम खेल सकते हैं। अगर ये वाला मोड हमारी गेम के अंदर अपडेट किया जा सके तो हमें गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आ सकता है। और अगर हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को अगर ऑनलाइन गेम बना दिया जाए तो लिटरली ये वाली गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और शायद से कुछ इस तरह की अपडेट हमें अपकमिंग अपडेट्स के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के टाइम पर जब मल्टीप्लेयर मोड के बारे में रोहित गेमिंग स्टूडियो वाले सर से पूछा गया तो उनसे हमें ये पता चला कि वो अगर हमारी गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड को ऐड करवाना चाहते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा खर्चा आ सकता है, और वो खर्चा कितना हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हमारे गेम के अंदर अगर मल्टीप्लेयर मोड के अंदर 25 लोग गेम खेलते हैं तो उनको 40,000 से 50,000 रुपए तक पे करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी गेम के अंदर अभी के टाइम पर 10 मिलियन डाउनलोड है तो उन्हें काफी ज्यादा खर्चा आ सकता है। तो अभी के टाइम पर तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारी गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड को लाया जाए, लेकिन इन फ्यूचर के अंदर अगर हमारी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम काफी ज्यादा फेमस गेम हो गई तो शायद से हमारी गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड को भी ऐड किया जा सकता है। और गाइस क्या आप सभी लोग हमारे गेम के अंदर न्यू कैरेक्टर और साथ ही साथ मल्टीप्लेयर मोड को देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। और जो जो लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने इस गेम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल कर दिए, तो वहां पर जाकर इस गेम को एक बार जरूर से डाउनलोड कर लेना। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर बस मैं इन दो अपकमिंग अपडेट के ऊपर बात करने वाला था। अगर आप लोग और भी अपकमिंग अपडेट के बारे में जानना चाहते हो और साथ ही साथ हमारे गेम के अंदर आने वाली नई गन के अपकमिंग अपडेट के बारे में भी कुछ डिटेल जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। और बाकी तो आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही कमाल के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो बाकी तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मैं मिलता हूँ ऐसी कमाल की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।